नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार को बुलाया जा रहा है। नीतीश कुमार नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर किन्नरों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया है। बता दें कि कंकड़बाग में किन्नरों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, क्योंकि पिछले दो दिनों में दो किन्नर की मौत हो चुकी है और यही वजह है कि गुस्सा पटना की सड़कों पर देखने को मिला। लगातार उनकी तरफ से आगजनी की जा रही थी, प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन इस सबके बीच ये बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर किन्नरों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया है। क्या कुछ कहना है किन्नरों का इस तरह के रवैये को लेकर, क्या कुछ उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, आप पहले उनके इस पूरे बयान को। विद्रोह कमांडर करने का प्रशासन आया, प्रशासन आने के बाद कोई बात नहीं, कोई जीत नहीं। आने के बाद प्रशासन ने डंडा चलाने लगा किन्नर को ऊपर, कोई किन्नर नीतीश कुमार लाठी चार्ज करने के लिए, क्या हम लोग का जिंदगी जिंदगी नहीं है? जो आएगा डीएसपी लाठी चार्ज करेगा, नीतीश कुमार आया जा, नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार को बुलाया जा रहा है। नीतीश कुमार बता दें कि पटना में दो दिन में दो किन्नर की मौत हो चुकी है और यही वजह है कि अब गुस्सा फूट पड़ा है। लगातार उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन आज किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ वो सड़कों पर उतर चुकी है और विरोध में नारेबाजी भी कर रही है। इतना ही नहीं, किन्नरों ने साफ तौर से कहा कि उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं मिला है। इतना ही नहीं, जिस तरह से पटना में दो दिन में दो किन्नर की मौत हुई है, इसको लेकर गुस्सा जो है उनका वो फूट पड़ा है। पटना की सड़कों पर जो आवाजाही है उसे बाधित किया गया, दुकानें बंद करवाई गई और ये जो गुस्सा है, जो विरोध है, वो सड़कों पर देखने को मिला। और ऐसे में अब पुलिस की तरफ से भी लाठी चार्ज कर दिया गया और यही वजह है कि अब नाराजगी जो है किन्नरों की देखने को मिल रही है। तो लगातार ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आगे की भी जो कुछ भी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, वो तमाम खबरें, वो तमाम तस्वीरें न्यूज फॉर नेशन आपके लिए लेकर हाजिर होगा। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।